फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि केले के में बीज कहाँ पाया जाता है? कौन सा ऐसा देश है जिसके ऊपर से फ्लाइट उड़ान नहीं भरती है? वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा चैनल न्यू फैक्ट। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुँचे। फ्रेंड्स, केला तो आपने खाया ही होगा। फ्रेंड्स, कभी आपने ये नोटिस किया है कि केले में बीज नहीं होता है? बट केले में बीज नहीं होता है तो केला उगता कैसे है? फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं कि केले का बीज का सीक्रेट क्या है। केले के पौधे के नीचे किसान बीज निकाल लेता है और फिर इसकी बुआई करता है। क्या आप जानते थे? नहीं जानते थे? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ, फैक्ट नंबर 2। ये फैक्ट सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि तिब्बत के ऊपर से कोई एरोप्लेन उड़ान नहीं भर सकती है? इससे पहले कि इसके कारणों के बारे में बताएं, हम तिब्बत के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग आपको बताते हैं। तिब्बत चीन के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है और ये भारत के साथ पश्चिमी के बॉर्डर साझा करता है। तिब्बत पठारी प्लेट दुनिया में सबसे ऊंची जगह है। तिब्बत को रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया की छत भी कहा जाता है। ये हिमालय पर्वत श्रृंखला में आते हैं और इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर से भी ज़्यादा है। इसमें एवरेस्ट, मकालू व कंचनजंगा जैसे कई 8000 प्लस मीटर वाले पहाड़ भी शामिल है। ये सुनकर आपको समझ जाएंगे कि एयरलाइंस कंपनियां तिब्बत के ऊपर से उड़ान भरने को तैयार क्यों नहीं है। कमर्शियल फ्लाइट के लिए कम से कम ऊंचाई 28000 से 35000 फीट तक या फिर 8000 मीटर ही है। यहाँ तक कि 8000 मीटर से भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ यहाँ पर दीवार बनी खड़ी है। यही कारण है कि एयरलाइंस कंपनियाँ उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिएगा। फैक्ट नंबर 3। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि हमारे देश में जब किसी अपराधी को फांसी दी जाती है तो जल्लाद उस फांसी के पे चढ़ने वाले इंसान के कान में कुछ कहता है, लेकिन क्या आपको पता है कि क्या कहता है? वो उस इंसान से कहता है, माफ़ कर देना, मैं मजबूर हूँ। और अगर फांसी पर लटकने वाला इंसान हिंदू है तो राम राम, और अगर फांसी पर लटकने वाला इंसान मुसलमान है तो उसे आखिरी सलाम कहता है। फ्रेंड्स, आपको पता चल चुका होगा कि जल्लाद फांसी पे चढ़ने वाले इंसान के कान में फ्रेंड्स क्या बढ़ते कहता हैं है? अगले फैक्ट की तरफ, फैक्ट नंबर 4। फ्रेंड्स, क्या आपको जानते हैं कि इंडिया का कौन सा ऐसा म्यूज़िक वीडियो जो 1 मिलियंस को छूने वाला है? नहीं जानते हैं तो हम आपको बताते हैं। ये पंजाबी सॉन्ग आपने एक बार ज़रूर सुना होगा, लॉन्ग वे टू लाची। ये एक ऐसा सॉन्ग है, पंजाबी सॉन्ग है जो 1 मिलियंस छूने वाला है। फ्रेंड्स, ये टी सीरीज अपना पंजाब पर अपलोड किया गया था और ये बहुत जल्द वायरल हुआ वीडियो। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ, फैक्ट नंबर 5। फ्रेंड्स, क्या आपने आग को जलती हुई परछाई को देखा है? तो आपका जवाब होगा नहीं। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों? हमें तो स्कूल में ये बताया गया है कि रोशनी में परछाई बनती है, तो फिर आग के साथ ऐसा क्यों? आप माचिस की तीली को ही ले लें, उसकी भी अपनी परछाई होती है, लेकिन अगर हम माचिस की तीली को जलाएं तो उस जलने की आग की परछाई नहीं दिखाई देगी। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। दरअसल साइंस का कहना है कि मोमबत्ती व एक माचिस तीली स्वयं एक रोशनी है। ऐसे में उसे दूसरी रोशनी में ले जाया जाए तो वो परछाई नहीं बनती है, क्योंकि वो दोनों एक तरह के तत्व हैं। और वही आप अगर दूसरी आग की परछाई को देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उस दूसरे रोशनी को तेज रोशनी के आगे ले जाना होगा, क्योंकि सूर्य की रोशनी के आगे कोई भी रोशनी तेज रोशनी नहीं है। ऐसे में आप जलती हुई मोमबत्ती को सूरज की रोशनी में देखेंगे तो आपको उसकी लौ की परछाई देखने को मिल सकता होता है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सीधे